जैसे कि आज आईआईटी जेईई का रिजल्ट आ चुका है, तो हम इस समय मौजूद हैं एलएन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में। तो आइए बच्चों से जानते हैं उनकी मेहनत की कहानी, उनकी जुबानी। हाँ जी, मेरा नाम जय सिंह है और मैं जेईई एडवांस में सराहना प्लान हूँ, मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो जो आपका 17 रैंक आया है, लाइक आपको किसने सजेस्ट किया एलएन का कि यस गो फॉर एलएन? मतलब मेरे जो सीनियर्स थे, तो मतलब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ा और हमें अच्छा लगा, तो मैंने भी एक दो लगाई तो मुझे भी यहाँ पे आकर अच्छा लगा, पढ़ाई का माहौल ठीक लगा, मतलब यहाँ पे सब कुछ है, खेलने को भी है, पढ़ाई भी है, तो मतलब ब्रैकेट ठीक लगा और मुझे लगा मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो अच्छा, लाइक अगर जो आपका 17th रैंक आ जाए, यू आर वेरी हैप्पी, सो मुझे आप ये बताइए कि लाइक आपका जो रैंक आ जाया है उसमें सबसे बड़ा आप किसको ओहदा देना चाहोगे, कौन इसके लिए, मतलब किसने आपको ज्यादा मोटिवेट किया? मेनली तो मैं अपने टीचर्स को, मतलब वो कभी भी इतना प्रेशर नहीं डालते थे कभी, बहुत ज़्यादा पढ़ो, मतलब हम टीचर्स के साथ कभी बाहर घूमने चले गए तो उसे काफ़ी मतलब फ्रेंडली सा रखता था एटमोसफेयर, तो और काफ़ी हेल्प मिलती थी, बहुत कूल माइंड से थे एग्जाम दिया। अच्छा, अगर आपको वोटिंग लाइक आपको एलएन पेरेंट्स एंड यू, मतलब ऐसे 100% नो इशू, इट डिपेंड्स, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ऑब्वियस है, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हार्ड वर्क करते हैं, एंड मेनली यू, इफ यू हैव टू गिव द स्कोर तो आप किसको ज्यादा स्कोर देंगे सबसे पहले, 100 में से करो आप 60, 40, 30, इट्स योर विश, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो आपको देखना ना, क्योंकि सर ने आपको 18 दिया, 20 अपने आप को दिया, तो अब आप देखिए कि आपको कितना देना है। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स की इक्वल ही कंट्रीब्यूशन रही है, तो मैं मतलब अपने आप को 40 दे दूं तो ठीक है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन मंदीप गौतम के साथ मैं अनीशा जुनेजा, आप प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।